गॉड गिफ्टेड ही मैं इसे मानता हूँ। और ये जो है चिराग की कालक से ये पोर्ट्रेट्स बनाते हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। डीजी साहब ने इसे एक नया सरापा अता किया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आई एम योर होस्ट, आई एम योर फ्रेंड ज़ताशा इनाम, और वेलकम करते हैं आपको अयूब पाक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सेगमेंट का नाम अयूब पाक के रंग ज़ताशा के संग। नाज़रीन, आज हम आपकी जिस आर्टिस्ट से, जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं, वो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जल्दी से चलते हैं और मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से, आज के आर्टिस्ट से, सैयद अज़हर बुखारी से। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ हैं सैयद अज़हर बुखारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो ज़रा हमें ये बताएं कि आपको किस उम्र में इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है? तो मुझे ड्राइंग के हवाले से बिल्कुल अभी इब्तदाई क्लासेस है, जो स्कूलिंग है, उसमें ही मेरे टीचर्स ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि तुम अच्छा ड्रॉ करते हो। तो ये एहसास था, मुझे पता चला कि यस आई कैन ड्रॉ समथिंग के लोग पसंद करते हैं। अच्छा सर, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने तरीके से आर्ट को डिफाइन करते हैं, आप आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखते हैं आप आर्ट को? आर्ट इट्सेल्फ ये फितरत की नक्काली की एक अदा है। आप नेचर से जब मरूब होते हैं, आप मुतासर होते हैं नेचर से, तो आप उसका इजहार तारीफ की सूरत में भी करते हैं, और तारीफ जब आगे बढ़ जाए तो उस पर आप कोई शेर कह देंगे, और जब वो शेर से आगे बढ़े तो वो आप उस पर कुछ ड्रॉ करेंगे। अच्छा सर, आपका कोई टीचर था जिनसे आपने आर्ट सीखा, कोई इंस्पिरेशन, या ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है? गॉड गिफ्टेड ही मैं इसे मानता हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं अब तक आपने कितने पोर्ट्रेट्स बना लिए, और आपका अपना फेवरेट पोर्ट्रेट कौन सा है? मैंने ऐसा सच तो शुमार नहीं किए, लेकिन एक अंदाज़ा है कि सैकड़ों में है, यानी 100 से तो ज़्यादा ही होंगे। सबसे पहला पोर्ट्रेट कायदे आज़म था। कायदे आज़म के उस पोर्ट्रेट मंजूर आर्टिस्ट से कोई उन्होंने बुलाया है, और वो लाइट ब्लू सा है, और तमाम जो हमारी तदरीसी किताबें हैं, हमारे सिलेबस की बुक्स हैं, उन पे आखिरी तराने की जगह पे वो बहुत अरसा रहा, वही मुझे दस्तियाब था और वही मैंने बनाया। गिनती का तो शुमार नहीं है, सैकड़ों में है, लेकिन मेरे 2-3 मराहल हैं। पेंसिल से मैं उन आर्ट पेंसिल्स की तरफ आया जिसकी ग्रेडेशन मौजूद है कि ये फलां ग्रेड की है, जो एच में है वो बड़ी हल्की है, और जो बी में है वो बड़ी हार्ड है। तो लेकिन मेरी तशफ़ी नहीं हो रही थी, वो भी महदूद थे कि कितने शेड्स उसमें हो सकते हैं। तो मैं फिर चिराग की कालक, ज़्यादा ब्रिलियंट ब्लैक जो चीज़ हो उसकी तरफ, कि मुझे अगर काजल ज़्यादा आंखें बनानी हैं तो उनमें फिर काजल जितना ही गाढ़ा होगा और उसमें वही थिकनेस और शाइन आएगी तो बात बनेगी। तो वो पेंसिलें मुझे नहीं दे पाती थी। इरेज़र से लोग काम निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे जब चिराग की कालक से मैंने पहली तस्वीर बनाई, वो एक बुज़ुर्ग थे किसी, मुझे ज़्यादातर लोगों ने नाना दादा बनवाए हैं मुझसे, अपने दाढ़ी बनाने में मुझे जो है ना महारत हो गई, और बुज़ुर्ग, फिर ये जो एजिंग है इस पर मैं ठहरा। कैसा फील हुआ आज आपको डीजी साहब से मिल के, और आपको एप्रिसिएशन शील्ड दी गई और आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया, इस हवाले से आपकी क्या फीलिंग्स है? मुझे ये उनकी फ़न परस्ती और फ़न शनासी जो है मेरे लिए बहुत मुतासर कुन है। जो इंतज़ामात
हैं और जो आपको गिरदो नवा में इसकी आरास्तगी पैरास्तगी वो उस पर लगे हुए लोग हैं। तो यहाँ देखिए हमें तितलियाँ, परिंदे, खूबसूरत आवाज़ें, तो ये सारा क्रेडिट जो है ना ये डीजी साहब को जाता है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुजस्मा साज होता तो उनका मुजस्मा ज़रूर मनाता। अरे सर, ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी। और सर, हमने आपको एक विज़िट भी करवाया यू पार्क का, मिरेकल गार्डन आपको दिखाया, विंटेज पार्क दिखाया। इस वजह से आप हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि मैं देख रही थी कि आप मिरेकल गार्डन को बहुत इंटरेस्ट लेके आप एक एक चीज़ को देख रहे थे, एक एक चीज़ के बारे में पूछ रहे थे। मैं तो जो आके मैंने एक नए अयूब पार्क को देखा और यहाँ पर ये सारा गुलिस्तान बना दिया है। एक तो वसी और ईज़ बहुत है और दूसरा है कि फैमिली की प्राइवेसी बहुत अच्छी है और जो बच्चियाँ यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बगैर आती हैं मिलके, ग्रुप बच्चियों के आ रहे होते हैं और इंजॉय कर रही होती हैं, बैठी होती हैं, उनके लिए इंतहाई साजगार भी और महफूज पार्क है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में भी किसी किस्म का टैलेंट है और जो आप चाहते हैं कि लोगों के सामने आए, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आपने हमारी इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज यू कैन। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।